हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द कर दीजिए। यहाँ शाओमी की तरफ से जो भी न्यूज़ आती है वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें रेडमी 7A में कल MIUI का 12.0.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने को मिला था और इसका साइज हमें 548 MB का देखने को मिला था और इसमें हमें मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, अगर ये अपडेट आपके फ़ोन से जा चुका है तो आपको सिंपली OTA ROM को डाउनलोड करना है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो फिर आपको सिंपली अपना अपडेटर सेक्शन खोलना है और 12 टाइम्स टैप करना है, फिर आपके एडिशनल फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली चूज अपडेट पैकेज में जाना है और फिर आपको वहाँ से आपने वो डाउनलोड रोम, आपने वो जहाँ पर भी आपने वो सेव की हुई है, आपको सिंपली उस रोम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप रेडमी 7A में MIUI 12.0.2.0 पे बूट हो जाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें इसमें क्या क्या मिसिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसमें फुल इन्फो देने वाला हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें कुछ मिसिंग फीचर्स बताने वाला हूँ कि हमें इसमें रेडमी 7A में MIUI 12.0.2.0 में हमें कौन कौन से मिसिंग फीचर्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट हमें कल शाम को देखने को मिला था MIUI का 12.0.2.0 का। और फ्रेंड्स, हमें इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले में अभी तक हमें इसमें फुल स्क्रीन गेस्चर्स में हमें इसमें अभी तक हमें इसमें एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार देखने को नहीं मिला है। और फ्रेंड्स, जब आप अपने रेडमी 7A को अपडेट कर लेंगे तो आपको ये सिस्टम एप्स अपडेटर में आपको अपडेटर का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, हमें इसमें मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, और इसमें हमें अभी तक एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार MIUI के 12.0.3.0 के साथ देखने को मिलेगा और हमें रेडमी 7A में MIUI का 12.0.3.0 का जून से जुलाई मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट को आप जल्द से जल्द आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना।